नमस्कार, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं निकला हूं अभी हनोई से हलोंग वे की तरफ। यहां पे मैं जा रहा हूं क्रूज वे और फुल डे का टूर है। मैं आ चुका हूं अभी क्रूज साइट पे। यहां से मैं एंट्री गेट से एंट्री करूंगा, उसके बाद क्रूज पे जाऊंगा। क्रूज पे जाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। ये देखिए, यहाँ से एंट्री पॉइंट है, सारे लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। मैं भी यहाँ से जाऊँगा और जाने के बाद क्या होता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये जो गाड़ी है इसी से मैं आया था, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँच के। और ये एंट्री पॉइंट है, देखिए काफ़ी फॉरेनर लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी यहीं पे आके एंजॉय करूँगा। अभी 5 घंटे का टूर, मैं निकल रहा हूँ अभी हलोंग वे की तरफ। मैं अभी वेटिंग एरिया में अभी वेट कर रहा हूँ। यहाँ से मेरी शिप जो है सो 10:30 पे निकलेगी, तो इसके मैं जल्दी ही पहुँच गया था, आधा घंटा पहले मैं पहुँच चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और वेट करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। और यहाँ देखिए, इधर वेटिंग एरिया है और यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ मिलती है, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। यहाँ पर वेटिंग एरिया है, इधर देखिए सारे फॉरेनर सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आके वेट करते हैं। मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ। और यहाँ का भाई कल्चर, बियर दारू का कल्चर तो वैसे ही है। देखिए पीछे बियर भी मिल रहा है, दारू भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। और यहाँ के लोग भाई इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, सिर्फ वियतनामी भाषा जो है वही जानते हैं। अगर यहाँ पे हो तो आपको गूगल ट्रांसलेटर ही एकमात्र विकल्प है, जिससे आप सामने वाले बंदों को समझा सकते हैं। नहीं आप चींचा फों कौ चो बोलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और पागल बन के रह जाओगे। देखो यहाँ पे हलोंग वे जाने से पहले वेटिंग एरिया जो है वो यही है। और जो हलोंग वे है वो चारों तरफ से पहाड़ी है, बीच में समुद्र या वाटर है, उस पर क्रूज चलते रहता है। और नेचुरल जो व्यू है वो वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आता है। इधर जो वेटिंग चेयर है वहाँ पे है, मैं वहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मेरे साथ आए हैं विकास जी, उनको देख लीजिए ज़रा कहाँ खोए हुए हैं। शायद वियतनामी गर्ल पसंद आ गई, इसलिए शायद देख रहे हैं। मैं आ चुका हूँ अपने क्रूज के पास और देखिए यहाँ का व्यू देख लीजिए कैसा होता है। और ये मुझे 6-7 घंटे का एक्टिविटी कराएगी। और इस जो पीछे जो क्रूज लगा हुआ है वो वाला, उस पर मैं जाऊँगा और 6 घंटा का एक्टिविटी है। इस पर डिनर, ये लंच मिलेगा, 6 घंटा हम लोग को ये वाटर एक्टिविटी कराएगा। इसके बाद हम लोग फिर वापस से होटल लौटेंगे। और ये भाई पहाड़ के चारों ओर पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में ये मूव करती है और इस पर घूमेंगे। और घूमने के बाद फेरी के ऊपर जाती है, क्रूज के ऊपर जाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसा फीलिंग रहा या कैसा रहा। मैं ले रहा हूँ एंट्री अपने क्रूज के अंदर। आने के साथ ही वेलकम ड्रिंक यहाँ पे मिलता है, काफ़ी VIP और लग्जरी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज के अंदर। और ये लग्जरी ड्रिंक आते ही मिला, दिस इज वाइन, माय नेम इज सौरभ कुमार, सौरभ एंड विकास। हाउ मेनी पीपल यू हैव? नो और ये देखिए क्रूज के अंदर भाई लग्जरी प्रीमियम क्लास का होता है। वाइन के साथ स्वागत किया गया और देखिए कितना लग्जरी होता है, इधर देखिए। लेकिन मैं इसको पीऊँगा नहीं क्योंकि मैं वाइन नहीं लेता, मैं सिर्फ बियर पीता हूँ। और देखिए क्रूज का अंदर का व्यू एकदम देखिए। लाइफ में भाई जाओ इंजॉय करते रहो, पैसा रखा का रखा रह जाएगा, ठीक है? तो इसलिए जब भी आप पूरा खुल के ज़िंदगी जियो, पूरा एंजॉय करो, पीजिए कोई दिक्कत नहीं, पीजिए।
इसके बाद इस पर लंच भी मिलेगा, 6 घंटे का एक्टिविटी है, मैं नहीं लेता हूँ, और 6 घंटे का एक्टिविटी है, इसके ऊपर मैं रहूँगा भाई, व्यू देखते रहूँगा और चारों तरफ पहाड़ी के बीच में ये मूव करेगी पूरी। चलिए आगे का एक्टिविटी दिखाते हैं, जब लंच टाइम आएगा फिर मैं आपको वापस दिखाता हूँ। खूबसूरती भाई हलोंग वे की है, अभी हलोंग वे में हूँ, क्रूज के ऊपर हूँ, और देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे, देखिए सारे फॉरेनर लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, और मैं अभी हूँ क्रूज के ऊपर, ये देखो भाई क्या व्यू है यार, वियतनाम की खूबसूरती कितनी है, जब भी आओ लाइफ में एक बार वियतनाम आओ, क्या हॉस्पिटलिटी यहाँ पे क्रूज के ऊपर है, लंच जबरदस्त है, लंच भी यहाँ जबरदस्त दिया, और उसके बाद घूमने के लिए पहाड़ों के बीच में देखिए क्या व्यू है भाई। वियतनाम का हलोंग वे इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इसको दुनिया का 7वां प्राकृतिक रूप से सबसे खूबसूरत जगह बताया है, आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अपने ट्रिप में हलोंग वे को जरूर शामिल करना। वीडियो के अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा PMM ग्रुप के CEO आकाश कश्यप सर और उनकी टीम को, जो हर बार की तरह मुझे इस बार भी स्पॉन्सर किया और हमेशा स्पॉन्सर करते आए हैं, और मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग व्यूअर को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप आते हैं मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, और वीडियो में बने रहिए, सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा हलोंग वे का।